बाबा रामदेव ने मई महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर मैदान में उतरने का ऐलान किया है। रामदेव का दावा है कि वो मई महीने में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई शुरू करेंगे। पर इतनी बड़ी लड़ाई से इन पहले बाबा पर चले हैं तीन बाण। बाण नंबर एक, बाबा को मिलने वाले चंदे और संपत्ति की जांच हो। बाबा पर यह आरोप कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने लगाया है। ये तब जब उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन की अपनी मुहिम में सीधे गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर लिया। बाण नंबर दो, अन्ना के आंदोलन पर कुठारा घात। जन लोकपाल बिल के लिए अनशन पर बैठे अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर रामदेव पर बिना वजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगा। रामदेव ने समिति के सदस्यों में भूषण पिता पुत्र की मौजूदगी को परिवारवाद पता बखेड़ा खड़ा कर दिया था। आरोप लगा कि बाबा ने अपने ऊपर कांग्रेस के वार को कमजोर करने के लिए अन्ना के आंदोलन की हवा निकालने का काम किया। बाण नंबर तीन, सियासी महत्वाकांक्षा। रामदेव पर तीसरा और सबसे तीखा बाण ये चलाया गया है कि वो अपने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के जरिए अपनी सियासी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके पुराने समर्थक लालू और नीतीश जैसे लोग भी उनके खिलाफ हो गए। ऐसे में जब रामदेव मई महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी लड़ाई पर उतर रहे हैं तो उन्हें इन आरोपों को ठंडा करने की जरूरत होगी ताकि जनता में अपनी बात का सही असर और भरोसा बना सके। आज तक गिरो। और बाबा रामदेव पर लगे तमाम आरोपों और तमाम व्यंग बाण का जवाब देने के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबा रामदेव। रामदेव जी, स्वागत है आपका। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर खुद ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं जिसके जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल आपकी मुहिम एक बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा है, क्या कहेंगे? अच्छा भाई, पहली बात तो यह है कि जहां तक आरोपों का प्रश्न है, भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर के पैगंबर मोहम्मद साहब और ईसा मसीह से लेकर के सुकरात से लेकर के आदि शंकराचार्य जी से लेकर के स्वामी दयानंद महर्षि और मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं एक बात चाहते हैं, मैं अपने पूर्वजों से अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका अनुगामी हूं। जो भी सच की राह पर चला, जिसने भी दुनिया से अधर्म पाप अन्याय को खिलाफ करने के लिए कोई आंदोलन चलाया, तो आरोप तो सबके ऊपर लगे हैं, लेकिन वो आरोप यदि तथ्य सत्य प्रमाण से रहित खाली निराधार हैं, तो निराधार बातें तो बेसलेस बातें किसी के ऊपर भी की जा सकती है। मेरा आंदोलन न राजनीति से प्रेरित है, न किसी स्वार्थ से प्रेरित है, और मैं तो कहता हूं जो मैं कर रहा हूं और जो मैंने किया है, देश और दुनिया की किसी भी एजेंसी से उसकी जांच करवा ली जाए। स्वामी रामदेव ने ना कभी देश के साथ धोखा किया, ना गद्दारी की, और ना ही जीवन में, वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन में मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। रामदेव जी, एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर कांग्रेस के कुछ नेता ये लगाते हैं कि आप अपना सभी कुछ, अपने सारे पेपर बहुत साफ सुथरे रखते हैं, आपके ट्रस्ट के पेपर भी साफ सुथरे होते हैं, लेकिन दरअसल आपके ट्रस्ट में आपके परिजनों का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी भागीदारी है और वो सब करोड़पति हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आपके परिजनों के पास बहुत पैसा है, आपके पास नहीं है, और इसलिए ये सब एक दिखावा मात्र है। क्या इन आरोपों को आप सिरे से खारिज करते हैं? देखिए, पहली बात, मैं जिस परिवार में पैदा हूं एक साधारण किसान परिवार है, और आज भी जाकर के उस छोटे से अलीपुर गांव में, जिसके बारे में मैं कभी चर्चा करना उचित नहीं समझता था, क्योंकि मैं एक सन्यासी बना हूं, 121 करोड़ भारतीयों को अपना घर माना और पूरे विश्व को अपना परिवार माना है, उसके बावजूद जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, उस परिवार में आज भी खेती होती है, उस परिवार में जिन घरों को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, उन्हीं घरों में आज भी वो लोग रह रहे हैं। वही साधारण सा घर, वही खेती, वही गाय भैंस की वो सेवा करते हैं। जहां तक रहा प्रश्न, जो है एक भी परिजन को एक भी ट्रस्ट के रुपए का कोई लाभ नहीं दिया गया, और यदि कोई, मैं जिस खानदान में पैदा हुआ हूं, जिस कुलवंश में पैदा हुआ हूं, उस परिवार का व्यक्ति कोई मेहनत करके ईमानदारी से सच्चाई से अपने जीवन में यदि 10-20 लाख रुपए कमा लेता है जी, तो ये तो अपराध तो नहीं है? जिस कुलम में पैदा हुआ वो लोग जो है कटोरा लेकर के भीख मांगे, ये किसी को, यदि ऐसा किसी को लगे कि ऐसा करना चाहिए, ये उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन ये न्याय नहीं हो सकता। बिल्कुल रामदेव जी, दरअसल हम यहाँ पर हवाला देना चाह रहे थे दिग्विजय सिंह जी का, जो कि बार बार आपके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं दाल में बहुत कुछ काला है। ये कांग्रेस के साथ आपकी ये ठान क्यों बनी हुई है, क्यों दिक्कत है,
पार्टी के खिलाफ आपने अभी तक कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल तो किया नहीं, तो फिर ये गांठ क्यों बंध गई? मैं साधारण सी बात कहना चाहूंगा अजय भाई कि कांग्रेस जब हमारे दिग्गी बाबू कोई भी प्रश्न खड़ा करते हैं, कोई भी बयान देते हैं, कांग्रेस कहती है कि ये दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत बयान है, तो जिसको पार्टी प्रामाणिक नहीं मानती है मैं उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। क्योंकि माननीय सत्यवर चतुर्वेदी जी ने जब माननीय श्री दिग्विजय सिंह साहब की टिप्पणी आई उसके ऊपर कहा कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने कहा कि कांग्रेस इसको अपनी ओर से प्रामाणिक जिसका बयान नहीं मानती है तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मैं एक साधारण सी बात कहता हूं, मैं कह क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई 400 लाख करोड़ रुपए जो लूटा उसको वापस हिंदुस्तान को दिलाने के लिए जितना भी इलीगल तरीके से विदेशों में जो जमा पैसा है जी उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दीजिए, उसको लाने के लिए यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को पास कर दीजिए, जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं उनमें ट्रांजेक्शन के रूप में बड़ी करेंसी का प्रयोग हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आखिर मेरी बात गलत क्या है? इस देश के अंदर यदि व्यवस्थाएं ठीक होती तो आखिर ये 400 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई क्यों? अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी माना है कि 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा माने करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हुई है दुनिया के अंदर, और उसमें भी स्विट्जरलैंड और 3-4 देश उनका उसने हिसाब नहीं उसके बारे में टिप्पणी नहीं की है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है, ये मैं नहीं कह रहा, ये असंजय भी कह रहा है, और ये सत्य है। इस देश के अंदर जो लूट हुई है उसको कोई नकार नहीं सकता। तो आखिर मैं यदि राष्ट्रहित में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मुहिम चलाता हूं तो इससे किसी को आपत्ति होती क्यों है? रामदेव जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। देखिए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि विदेशों में जो काला धन रखा है उसे भारत में ले आओ, और इस पर लोग आपत्ति उठाते हैं। क्या एक ऐसा वर्ग है जो आज आपकी इस आवाज को बंद करना चाहता है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे अनुयायी हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपका एक तरह से प्रतिष्ठा है आपकी इस समाज में, और ऐसे में आपकी बातों से प्रभावित होकर लोग उनके खिलाफ ना हो जाएं। तो ये एक क्या एक वर्ग है जो आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा है, काम कर रहा है? और अगर ऐसा है तो इस वर्ग के बारे में आप क्या कहेंगे? अजय भाई देखिए, पिछले 2 सितंबर से मैंने भगवान द्वारकाधीश के यहां से गुजरात से यात्रा शुरू की, और 1 जून को यात्रा का प्रथम चरण पूरा हो जाएगा। ये देश के इतिहास में नहीं, मैं समझता हूं कि शायद दुनिया के इतिहास में सीधा जनसंपर्क किसी यात्रा के दौरान करीब 10 करोड़ लोगों से हुआ, और इस 1 जून को यात्रा के पूरा होने पर 4 जून से हम दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं, और करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस आंदोलन में सीधे जुड़ेंगे, और 21 करोड़ लोगों की सहानुभूति हमारे साथ में होगी, और शायद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और इसमें जहां तक आपने कहा कि आखिर आपत्ति किन लोगों को है, ये भ्रष्टाचार और कालाधन कोई जो है छोटा षड्यंत्र नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। माना कि अच्छे नेता भी इस देश में, अच्छे कॉर्पोरेट भी हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट कॉर्पोरेट, और इन सबको लीड करने वाले करप्ट पॉलिटिशियंस, और ये 3 की तकड़ी तो भारत में है, और इस चंडाल चौकड़ी में चौथा है यूरोपियन कंट्रीज, जो हमारे देश का ब्लैक मनी है, जब वो शीर्ष बैंकों के जरिए और बाहर के देशों में खास करके अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और तमाम, मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है, करीब 2000 लाख करोड़ रुपए तो खाली मात्र यूरोप के 10 देशों के ऊपर एक्सटर्नल डेट है, या फिर पैसा गया कहां से? हम भारतवासियों का और कुछ यूरोप के देशों का। तो यूरोपियन देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि ब्लैक मनी और करप्शन खत्म हो, तो 4 चंडाल चौकड़ी है जो कभी नहीं चाहेंगे कि स्वामी रामदेव अपनी मुहिम में सफल हो, लेकिन हम होंगे, क्योंकि देश के 21 करोड़ लोग हमारे साथ में हैं, और ये 4 जून के बाद जो कुछ होगा पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी।